विधायक जी को देखें। हाँ, विधायक जी काम करेंगे, जो देखेंगे हाँ काम करेंगे तभी उनको वोट देंगे। और पांच साल अगर काम ना किए तो जूता मार के भगा भी देंगे। नहीं, दवा किसको मिलता है? जिसका अगर पैर भी रहेगा, कोई नेता मंत्री का आदमी रहेगा, उसी को दवा मिलेगा, और गरीब आदमी को दवा नहीं मिलता है। अभी तक मैं 40,000 से ऊपर का दवाई खरीद चुका हूं। कहां से वोट किया? आप खाली बीजेपी चेहरा को वोट देते हैं कि विकास को देखकर? बाबू कितने साल के हो? कितने साल के हो? वो देखिए, वो छोटा सा बच्चा जिसे आप स्काई ब्लू का देख रहे हैं, ये छोटे से बच्चे जो हैं यहाँ पे सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं, बताइए ऐसे ही तो होगा बिहार का विकास? और कैसे होगा? क्या कहेंगे भैया, किसका है माहौल इस बार? ये बार लालू यादव का माहौल है, लालू जी का। अच्छा, नीतीश कुमार से आप लोग थक गए क्या? थके नहीं, मतलब हवा पानी भी लालू जी का। अच्छा, क्या कहेंगे आप, किसका है माहौल? आरजेडी का। आरजेडी का। अच्छा, ये बताइए कि कितना विकास आप लोग देख रहे हैं बिहार में? बिहार में तो विकास है, खाली रोड है, पानी है, कोई पोथी नहीं है यहाँ। बस क्या कहेंगे चाचा आप लोग? आप लोग, हम लोग तो बोलबे किए हैं आपसे, बात ही हुआ है। अब और भी लोगों से जोड़ेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे बिहार में किसका है माहौल। आप इनको ही सारा कर रहे हैं, इनको ही सारा कर रहे हैं, ये कौन सी बात है? अनुभव नहीं है मेरा, कोई अनुभव नहीं। इनसे पूछिए, बीजेपी के आदमी से। हाँ, आप बीजेपी के आदमी? हाँ। अच्छा, तो बताइए कि आप बता ही नहीं है बीजेपी के आदमी? हाँ, तो बताइए 15 साल में कितना विकास देखते हैं? विकास है, विकास है धरती पर, पूरे विकास है, विकास धरती पर, विकास है, विकास धरती पर। 15 साल तो खाली मक्खी नीतीश कुमार मार रहे हैं। है, कह रहे हैं कि 15 साल में राजी है, लालू जी का सपोर्ट करिए। सुनिए, ये कह रहे हैं बीजेपी के हैं, कह रहे हैं कि 15 साल में बिहार का इतना विकास हो गया कि बिहार चमकने लगा। ठीक है, बिहार चमक रहा है, चमक रहा है जी, कह रहे हैं चमक रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, तीन काम गिनाइए। अरे बीजेपी के साथ सत्ता में रहकर करने बाल घोटाला हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, कौन से हुआ? नया पुल जो बना उसका जो है तुरंत उद्घाटन से पहले बह गया, ये सब विकास है ना? 15 साल में यही तो विकास हुआ, झूठ मुठ के है। अरे बोलिए ना। नहीं, ये बात तो है कि पुल नाम क्या है? बिहार में तो अरे आप बोलिए इसके बारे में, हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बीजेपी रहेगा तो बीजेपी है तो है। सर्जन घोटाला हुआ, ये सब कहाँ गया? इनके में भी तो वही चीज है, इनके में भी तो वही चीज हो रहा है बीजेपी की सरकार में। अरे दोनों मिली भगत है, कोई विकास ना हो रहा है। अरे पूरे धरती पर नजर आ रहा है। अच्छा, भैया कह रहे हैं, भैया अभी थोड़ी देर पहले कह रहे हैं, इनसे पूछा गया कि पुल का निर्माण होने से पहले अभी फीता ही नहीं कटा था कि पुल ही कट गई, तो कह रहे हैं ऐसा तो होता ही रहता है क्या भैया? ऐसा होता ही रहता है? अरे ये सब होता रहता है, छोड़िए। क्या 1,35,00,000 रुपया लगा तो मैं लगा, कैसे बह गया पुल? कैसे बह गया? अरे जनता का पैसा है ना, अरे अपना सरकार अपना पैसा खर्चा कर रही है कि जनता का पैसा खर्चा कर रही है, पहले जवाब दीजिए आप। अरे इसका जवाब दीजिए। किसका आप जवाब आप दे रही है? जवाब दीजिए, जवाब दे दो, जवाब दीजिए। काहे का भक्त है? खाली नाम के भक्त है? जवाब दीजिए, क्या विकास हुआ क्या नहीं हुआ? तीन काम गिनाइए, तीन काम गिनाइए, सिर्फ तीन काम। कौन सा तीन काम 15 साल में हुआ? अब रोड और बिजली छोड़ के बोलिए, रोड बिजली छोड़ के कोची बोले, पूरा तो विकास है, विकास हो रहा नजर पर। रोड और बिजली छोड़ के तीन काम गिनाइए। विकास, विकास है धरती पर मैडम। अरे भैया विकास, आपका नाम विकास है भैया? नहीं, विकास विकास है दम धरती पर। आप दो काम छोड़िए, बिजली और रोड छोड़ के, और कोई भी तीन काम। 6 साल से तो विकास है खोज रहे हैं, नरेंद्र मोदी बोलिन थे कि इस बार विकास होगा, 6 साल से तो विकास का खोज रहे हैं, कहाँ भुलाना हुआ है विकास? युवा जो है जितना बेरोजगार जो है मारा चल रहा है, यही तो विकास हो रहा है। विकास अब सरकार विकास को खोज रही है, अभी तक विकास ही खोज रही है। 6 साल से कितना विकास हुआ हमको बतावे ना। आप मुझे तीन काम गिनाइए ना, सिर्फ तीन काम गिनाइए, उसमें रोड और बिजली छोड़ दीजिए, उसके बाद और तीन काम गिना दिए। क्या चल तीन काम जो रहा है बताइए ना। बीजेपी ने कितना काम किया है? बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, समझे ना। गिनाइए बहुत गिरा, एक अच्छी बूढ़ा पेंशन मिला, हर चीज टोटल चीज, आदमी हॉस्पिटल में करा कुछ नहीं मिला, अभी देखिए दुनिया भर के दवाई मिला हॉस्पिटल में, कैसे नहीं मिल रहा है? अच्छा, दवाई आज से मिल रहा है?
दवाई मिल रहा है, दवाई ना कैसे मिल रहा है? पहले वाला सरकार में कहाँ मिलता था, लालू जी के राज में दवाई मिलता था, लालू जी के टाइम में भी मिलता था, मिलता था खाली पानी दे, लालू जी के टाइम में भी मिलता था दवा पीएमसीएच में, ऐसा नहीं है अभी एकदम बर्बाद हुआ हुआ पीएमसीएच। हाँ सही से तो इलाज नहीं होता, दवा सही से रहता है पहले रहता ही नहीं है, यहाँ तो पहले ही घोटाला हो जाता थोड़े, आता है कुछ और दिखाता है कुछ। अभी भैया दो मिनट पहले वही रोड पे एक भैया रो रहे थे और कह रहे थे कि आधे घंटे डॉक्टर वालों ने देरी कर दी, उनका बच्चा मर गया। यही होता है, यही होता है, पीएमसी में यही होता है, इलाज नहीं होता ढंग से, यही होती है। असल है क्या, बीजेपी का जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो है आपको ये है मंगल पांडे, तो मंगल पांडे भाई तो दोनों का तो पेट मिला हुआ है, नीतीश कुमार और बीजेपी का है, ये तो अनुकंपा पर सरकार चल रही है, तो दवाई आने से पहले ही बाहर से बाहर गिर जाता है बस, इनको तो कुर्सी का लालच है, जिधर कुर्सी मिला उधर खसक गए। अब अभी देखिए, अभी लोजपा जो अभी कहा है ना कि नीतीश कुमार के साथ में हम जो है विरोध में लड़ेंगे, हैं और हम के खिलाफ भी अपना कैंडिडेट उतारेंगे, बोला है ये बीजेपी का चरित्र और चेहरा सामने आने वाला है। बीजेपी समझिए मकसद 243 सीट पर लड़ रही है इलेक्शन में, समझ गए, लेकिन 243 सीट का मतलब है क्या कि अगर मेरी अगर 50 60 70 आ जाता, अगर लोजपा साथ में आ जाता है तो हम मिल करके सरकार बनाएंगे, नीतीश कुमार को किनारे फेंक देंगे, ये सब बीजेपी का चाल है सब, सुन लीजिए। अच्छा आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं सपोर्ट देखिए जो हमारे क्षेत्र में जो कैंडिडेट आएगा, जो कैंडिडेट अगर काम करेगा उसी को वोट पड़ेगा। अच्छा। हम लोग को सरकार के इसके ऊपर वोट नहीं पड़ेगा मेरे यहाँ। विधायक जी को देखिए। हाँ विधायक जी काम करेंगे, जो देखेंगे कि हाँ काम करेंगे तभी उनको वोट देंगे, और 5 साल अगर काम ना किए तो जूता मार के भगा भी देंगे। अच्छा हाँ अभी तक जो विधायक जी थे उन्होंने, हमारे क्षेत्र में पहले श्याम रजक थे, उनका फुलवाड़ी में पता कर लीजिए या राम कृपाल का पता कर लीजिए, आरजेडी से थे पहले 15 साल उनके साथ में रहे, लेकिन आप फुलवाड़ी में पता कर लीजिए कि जाकर के कितना विकास हुआ है, राम कृपाल यादव या श्याम रजक बहुत काम किए हैं उन्होंने, समझा, साइड को टिकट नहीं मिला है, वहाँ से माले को टिकट मिला है, लेकिन अब माले कैसा कैंडिडेट है उसके बारे में सोचेंगे, उसके बाद उसका हम लोग अपना बैठ करके अपना निर्णय लेंगे। क्या कह रहे हैं, कौन सा माहौल बना के रखे हैं, किसको जिता रहे हैं बिहार में, कौन जीत रहा है बिहार में? बिहार में बीजेपी की सरकार दुविधा में, बीजेपी की सरकार नहीं बना पाई, नहीं बना पाई। तो कौन सा? देखिए अभी मेरा पेशेंट एक आईसीयू में भर्ती है, चलिए बीएमसीएच के नीचे, ये 15 दिन से है, और यहाँ तक के एनएस, ये 10 रुपया का एनएस आता है, वो भी मैं बाहर से खरीद के देता हूँ, सिरिंज भी बाहर से लाना पड़ता है, नहीं सिरिंज सिरिंज नहीं लाना पड़ता, सिरिंज दे रहा है कोरोना में, गलत A2Z अभी नहीं है, अभी मेरे साथ हो रहा है, A2Z दवा तो महंगी दवा तो बाहर से लाता ही हूँ, लेकिन NS जो होता है 10 रुपया का वो भी बाहर से मैं खरीद के लेता हूँ। पूरा दवा तो इनको बाहर कैसे कर रहे हैं, पूरा दवाई तो पूरा है जी, कैसे नहीं मिल रहा है आपको? सुनिए दवा किसको मिलता है, सुनिए पहले ये बात सुन लीजिए, नहीं दवा किसको मिलता है, जिसके अगर पैर भी रहेगा, कोई नेता मंत्री का आदमी रहेगा उसी को दवा मिलेगा, और गरीब आदमी को दवा नहीं मिलता है, ये बात सुन लीजिए, पब्लिक के दवाई नहीं मिल रहा है, दुनिया भर के दवाई मिल रहा है, पब्लिक कैसे कर रहा है दवाई, क्या दवा है वो मैं नहीं जानता, क्या अवेलेबल है ये नहीं जानता, कितना दिन से पेशेंट लेकर के यहाँ भर्ती है? मेरा 27 तारीख से पेशेंट, 27 तारीख से कितना दवाई आपको मिला? अभी तक मैं 40,000 से ऊपर का दवाई खरीद चुका हूँ, कहाँ से मिल रहा है वो भी, ये काउंटर डिस्काउंट वाले लोग को, विधायक मंत्री वही लोग को दवाई मिल रहा है, जितना भी एंटीबायोटिक है सब बाहर से लाता हूँ, यहाँ तक NS जो 10 रुपए का वो भी मैं बाहर से लाता हूँ। कौन सा आप जाए काउंटर पर पता करते हैं, पुर्जा मिलता है, पुर्जा पर्ची मिलता है, अच्छा खाली बीजेपी का चेहरा आप देखते हैं, आप खाली बीजेपी चेहरा को वोट देते हैं, विकास को देख करके वोट देते हैं, आप इस एरिया में बात करते हैं, मेरा क्षेत्र नहीं है लेकिन नितिन नवीन का ये क्षेत्र है, लेकिन एक विकास जो है दिखा दिए नितिन नवीन का, हम पूछ रहे हैं यहाँ पर की जनता से पूछ रहे हैं, हमारा क्षेत्र नहीं है लेकिन नितिन नवीन का एक काम यहाँ बता दीजिए,
क्या कहेंगे भैया, आज तक विकास ना हुआ है यहाँ के, क्या यहाँ का लोकल कौन है भैया बताइए, यहाँ का कितना लोकल भैया तो निकल लिए। अच्छा भैया आप कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ तो यहीं के रहने वाले, फुलवारी शरीफ श्याम बाजार हमारा विधायक हुआ। अच्छा किसका माहौल बन रहा है इस बार, कौन सी पार्टी? माहौल तो वहीं से माले का भी सीट गया, वहीं से जाएंगे माले के हम लोग वोट देंगे। इस बार सरकार युवा सरकार रहेगा और कोई नहीं रहेगा, बदलाव हो रहा है इस बार? इस बार हर हाल में बदलाव होगा, जनता उठ चुका है 15 साल में। तो बिहार में लोगों का मूड जो है वो बदलाव चाह रहा है, और इस तरह का जो माहौल है यहाँ देखने को मिल रहा है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे, बातचीत आगे बढ़ाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि बिहार में चुनाव का क्या है माहौल और कौन सी पार्टी जो है वो जीत रही है। धन्यवाद।